एक बेचारे जानवर को मारने की क्या जरूरत है? मैं कुछ भी तोड़ सकता हूँ, मैं तो बाइक उठाता हूँ, मैं तो आदमी को भी तोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं जानवर पे हाथ नहीं उठाता हूँ, इंसान पे भी हाथ नहीं उठाता हूँ मैं। जी जी। तो क्यों जानवर को एक बेजुबान को मार के आपको क्या मिलेगा? रास्ते से जा रहे थे और एक रोड के साइड में एक मवेशी हमको मिला है, क्योंकि वो बहुत उसको घाव हो चुका है बहुत बड़ा, और उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो हम लोग साइकिल से हम और राजा जो कि जा रहे थे, तो उसको देखे और किसी डॉक्टर को फोन करने कर रहे हैं, और चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसा उसका घाव। आप देख रहे हैं मेरे सामने जो पशु बैठा हुआ है, उसको बहुत बड़ा घाव हो चुका है, तो आपको दिखाते हैं कैसा घाव है। लेकिन क्या बताया यार, यहाँ पे कोई एनिमल डॉक्टर या सरकारी अधिकारी जो बोलते हैं नहीं, वो लोग नहीं देख पाते हैं। सामने जो बैठा हुआ है एक एनिमल, उसको देख रहे हैं बहुत बड़ा घाव हो चुका है, देख रहे हैं कैसे बैठा हुआ है, और आपको जूम करके दिखाते हैं कितना बड़ा घाव भर चुका है। लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है, ब्लड दे रहा है, देखिए यहाँ पे ब्लड गिरा हुआ है, जरा ब्लड गिरा हुआ, मैंने बिना वीडियो बनाने का मकसद यही है कि सिर्फ यहाँ प्यार में ऐसा आपको हजारों पशु मिलेगा देखने को, जिसे कोई नहीं देख पाता है। हम देख रहे हैं सही से कितना बड़ा घाव हो चुका है, उसमें लगभग लगता है पिलुआ हो चुका है, पिल्लू कीड़ा हो चुका है, कीड़ा ब्लड इसको बहुत सारे गिर रहा है, लेकिन देखने वाला इसे कोई नहीं है। कोशिश करते हैं ये वीडियो डाल के, मैंने पीछे जो पशु बैठा हुआ है उसको बहुत बड़ा घाव हो चुका है, इतना बड़ा घाव जो है ब्लड निकल रहा है, देख रहे हैं ब्लड कैसे गिर रहा है, वहाँ पर ब्लड निकल रहा है, वहाँ पर आपको ब्लड मिलेगा, देखने वाला इसको कोई नहीं है। कोशिश करते हैं कि डॉक्टर को फोन लगा के डॉक्टर को बुला दें, बस यही कर। ये जानवर कितना प्यार से बैठा हुआ है, इसको बहुत बड़ा घाव हो चुका है।